हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। कल है दिवाली, आज है दिवाली का अगला दिन। तो अगले दिन में हम क्या क्या सफाई करनी है, चलो मैं आज थोड़ा दिखा देती हूँ। मैं तो 1 हफ्ते से पहले ही सारे मेरा काम फिनिश कर दिया था, जो डीप क्लीन होता है घर का मैं कर लिया था। फिर भी दिवाली का जो अगला दिन है उस दिन साफ़ सफाई थोड़ा ना करो तो अच्छा नहीं लगता है। आज मैं मॉर्निंग 5:30 को उठा एंड अभी बज रहा है 6। हाफ आवर तक मैं अभी काम में ही बिजी हूँ। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है ये साफ़ सफाई करने में। अगर किसी ने डीप क्लीनिंग नहीं किया है हफ्ते से पहले हो या 15 से पहले, तो भी मैं जो आज वीडियो दिखाऊंगी क्लीनिंग का, ये प्रोसेस फॉलो करो तो जो दिवाली के लिए स्पेशल क्लीनिंग होता है ना, वो आप 2 डेज से पहले भी कर पाओगे। मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा क्लीनिंग। ये जो दोनों सोफा के कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर टेबल से एक हैंड डस्टर लेके मैं अच्छे से इसको डस्ट फ्री कर लूँगी। बस इतना ही है मेरा क्लीनिंग। सारी चीज़ों को गीले कपड़े के मदद से ही साफ सफाई करनी है, वो ऐसी नहीं है। आप चाहे तो ये ऐसे ही डस्टर से एक माइक्रोफाइबर डस्टर लीजिए हो या कुछ भी कॉटन का क्लॉथ लीजिए, अच्छे से इसको डस्ट फ्री कर दीजिए, बस हो गया। हाँ, अगर कुछ चीज़ ज़्यादा गंदा होता है तो आप इसके लिए गीले कपड़े यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हमारे फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी मोफ या गीले कपड़े की ज़रूरत पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ये सोफ़े के क्लीनिंग के लिए। ये जो सोफ़े का कवर है मेरा, मैं इसको हफ्ते से पहले ही वॉश करके क्लीन कर लिया था। आप चाहे तो अभी इसको वॉश करके धूप में सुखा दीजिए, बस कल तक वो सूख जाएगा। ये जो सोफ़े का फर्नीचर है, इसको भी एक माइक्रोफाइबर ड्राई क्लॉथ ले कर क्लीनिंग करती है अच्छे से। इसके बाद जिसको जो जगह में रखना है इसको रख देती हूँ। इसके बाद मैं लग गई ये विंडो के क्लीनिंग के लिए। इसके लिए मैं फर्स्ट में एक ड्राई क्लॉथ लेकर यहाँ पर जो भी कुछ डस्ट पड़ा हुआ है ये इसको मैं साफ कर देती हूँ। तो लगातार बारिश हो रहा है तो इस वजह से ये जो ग्लास का डोर है विंडो का, यहाँ पर बारिश का ये जो रेन ड्रॉप पड़ के ये बहुत डर्टी हो गए हैं, तो इसको गीले कपड़े से क्लीन करना पड़ेगा। ये जो डोर के बीच में जो गैप है इसके अंदर भी डस्ट पड़ पड़ के ये भी गंदा हो गया है, तो मैं इसको भी ये जो टूथब्रश के मदद से साफ कर लूँगी। दोनों साइड का विंडो मेरा क्लीन हो गया। अब मैं जाऊँगी थोड़ा साफ कर दूँगी, झाड़ू कर दूँगी फ्लोर को। अब मैंने जो ऑनलाइन से लेके आया था 2 शेर वाला कर्टन, ये दोनों को मैं इधर लगाऊंगी। 2 टाइप का शेर कर्टन मैं दिखाया था, एक अक्वा ग्रीन का और एक रेड कलर का। मैं दोनों कर्टन को लगा के दिखा देती हूँ इधर। आप सभी बोलिए ये जो रेड कलर अच्छा लगता है या वो अक्वा ग्रीन। मुझे तो वो ही अच्छा लगा, ये अक्वा ग्रीन कलर मैं अभी लगाऊँगी दिवाली के लिए। एंड ये टीवी यूनिट का भी मैं सफाई कर देती हूँ, इसका भी सारा डस्ट निकल लेंगे। टीवी यूनिट के नीचे का, टीवी के जो साइड में पीछे का जो पार्ट है इसका भी क्लीन करना ना भूले। यहाँ पर ज़्यादा गंदगी रह जाता है ताकि हम लोग भूल जाते हैं इसका जो पीछे का पार्ट है ये क्लीन करने के लिए। एंड इधर भी जो ये मैं सेल्फ लगा है, इधर ये वर्क किया हुआ है, ये वर्क के जो बीच बीच में भी डस्ट पड़ा है, स्पाइडर नेट थोड़ा थोड़ा मुझे दिखा इधर, तो इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। अब चलिए ये डाइनिंग का भी क्लीनिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं एक ट्रांसपेरेंट वाला मैट बिछाया था तो इसको मैं हटा लिया। एंड अब मैं इसका क्लीनिंग कर रही हूँ एक गीले माइक्रोफाइबर डस्टर लेके। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लिया। एंड ये
ये सूखने के बाद मैं इसके ऊपर वो मैट बिछाऊंगी। अब मैं ये चेयर को भी साफ कर देती हूँ, इसमें भी डस्ट पड़ा हुआ है, साइड साइड में जो गैप होता है इसके अंदर भी डस्ट पड़ा है, इसको भी मैं साफ कर देती हूँ ये वेट वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। तो बस हो गया मेरा डाइनिंग क्लीनिंग। एंड ये जो मैट उठाना ना भूले, नहीं तो आपका साफ सफाई अधूरा रह जाएगा। ये मैट सब हटाने के बाद मैं चली नहाने के लिए। अब टाइम हो गया है 8, तो नहा के आने के बाद मैं लग गई ये मोपिंग करने के लिए फ्लोर को। ये मैं मेरा हॉल का फ्लोर क्लीन कर रही हूँ, इसके बाद मैं मेरा बेडरूम का क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। ये है मेरा बेडरूम का विंडो, तो सेम तरीके से मैं मेरे ये विंडो को भी क्लीनिंग करूँगी। डस्टिंग करने के बाद मैं गीले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये जो विंडो के नीचे का वॉल है, मुझे इधर बहुत सारे स्टेन दिखने को मिला है। मेरे बेटा भी इधर पेंसिल से कुछ से लिख दिया है, तो इसको भी मुझे लिभाना पड़ेगा, तो मैं इसलिए ले रही हूँ गुनगुने पानी से। मैं डिटर्जेंट पाउडर मिला के कॉटन कपड़े के मदद से मैं इसको साफ कर रही हूँ। ये साफ़ होने के बाद मैं ये बेडरूम का फ्लोर मोपिंग करूँगी। रूम में जहाँ जहाँ पर भी सेल्फ है, इसके ऊपर जो सारे सामान मैं हटा कर इसको भी मैं साफ कर लूँगी। ये ड्राई क्लॉथ से ही मैं साफ करूँगी, गीले कपड़े का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। एंड सारे होम डेकर के चीज़ें, आर्टिफिशियल फ्लावर, लीफ, सबको क्लीन कर देती हूँ मैं। इसको मैं डेली साफ करती हूँ, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं पड़ा है। तो मैं डेली जैसे साफ करती हूँ वैसे ही मैं आज भी वैसे ही साफ कर दूँगी। इसको मैं वाटर से नहीं वॉश करूँगी। और एक काम है जो कि सारे घर में लोग करते हैं, आप सोचते होगे कि इसको मैं क्यों नहीं दिखाया, वो है जो स्पाइडर का नेट होता है, इसको भी हटाना पड़ता है। बट मैं सच बोलूँ तो मेरे घर पे वो बिल्कुल नहीं है, तो मुझे हटाना नहीं पड़ा। मैं सफाई कर देती हूँ हफ्ते में एक दो बार, तो ज़्यादा मुझे तो दिखने को नहीं मिला, और इसलिए मैं इसका भी वीडियो नहीं दे रही हूँ। कहीं पर ये दिखा तो मैं इसको ज़रूर हटा लूँगी, आप भी हटा दीजिए, नहीं तो लिजर्ड भी आ जाएगा घर को इस वजह से। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर लीव्स है, मैं ऐसे ही इसको पोंछ के झाड़ लेती हूँ, तो इसका सारे डस्ट निकल जाता है एंड बिल्कुल नए जैसा दिखता है। अब चले हम दिवाली के लिए शॉपिंग करने के लिए, फटाका, क्रैकर्स एंड मैं दिया भी लेके आऊँगी। तो ये देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये एक पैकेट लिया है मैंने, इसको मैं बाद में ओपन करूँगी। तो पहले ये दिखा देती हूँ, ये मैं लिया है दो स्टेंसिल जो कि दिवाली के लिए ही स्पेशल लिया है मैंने इधर, और मैं लिया है कुछ दिए, मिट्टी के दिए। एंड ये जो है कैंडल, ये वाला एक कैंडल लिया है मैंने पैकेट। एंड ये मैं एक जार वाला कैंडल लिया है सेंटर्ड। और मैं ये लिए बहुत सारे मिट्टी के दिए। एंड ये बैटरी वाला टी लाइट कैंडल, जिसको कि मैं मेरे फर्नीचर के ऊपर यूज़ करूँगी।
आज मैं इतना ही लिया है और बाकी तो मैं शॉपिंग कर लिया था दिवाली के लिए, जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आप सभी को। ये पैकेट भी ओपन कर लेती हूँ। इसके अंदर ये क्रैकर्स है, फटाका है और बहुत टाइप का वैन है जिसका नाम मुझे पता नहीं। अब चलिए मैं किचन क्लीनिंग के लिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको क्लीन ना करो तो ये क्लीन होने के बाद ही सारी क्लीन खत्म होता है। किचन का क्लीनिंग मैं फ्रिज से स्टार्ट कर रही हूँ। एक लिक्विड क्लींजर लेके मैंने एक लिक्विड क्लींजर लेके मैंने फ्रिज के ऊपर स्प्रे कर दिया। एक कॉटन कपड़े की मदद से मैं इसको साफ कर रही हूँ, बाद में गीले कपड़े से इसको फिर से पोंछ लूँगी तो हो जाएगा मेरा फ्रिज का क्लीनिंग। इसका अंदर का भी क्लीनिंग ज़रूर कीजिए, मैंने फिर कभी दिखाऊँगी अंदर का क्लीनिंग। अभी मैं ये किचन का काउंटर टॉप, गैस स्टोव एंड मेरे चिमनी को भी साफ करूँगी। मैं किचन का एक स्पॉन्ज को गीला करके हल्के दबा दबा के इधर मैं साफ करूँगी फर्स्ट। फिर मैं एक DIY लिक्विड लेकर, जो कि मैं मेरे किचन क्लीनिंग के लिए बनाया था, इसको स्प्रे कर लूँगी एंड फिर मैं ये स्पॉन्ज की मदद से मैं क्लीन कर लूँगी। ये चिमनी को भी मैं ये लिक्विड से ही साफ कर लूँगी। ये जो लिक्विड मैंने विनेगर, बेकिंग सोडा, एक किचन क्लीनिंग का लिक्विड मिला के मैं बनाया है, इससे मैं मेरा काउंटर टॉप एंड चिमनी को साफ करती हूँ। किचन का ऊपर का जो पार्ट है, काउंटर टॉप एंड चिमनी साफ हो गया। अब चलते हैं ये कवर को भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये जो किचन के फर्नीचर को मैं वेट क्लॉथ से ही साफ करूँगी, इसके लिए मैं कुछ भी लिक्विड वाला सोप यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे ही ये बहुत आसानी से साफ हो जाता है। इसका हैंडल भी क्लीन कीजिए, ये हैंडल हम बहुत यूज़ करते हैं तो इसका क्लीन भी अच्छे से होना चाहिए। डस्ट फ्री कर देती हूँ एक ड्राई क्लॉथ की मदद से, बाद में इसको एक वेट क्लॉथ लेके अच्छे से क्लीन करूँगी। मंदिर का दो साइड को भी साफ करूँगी, इधर रह जाता है गलती ज़्यादा, इसे देखते देखते साफ करना पड़ता है सारी चीज़ें। ऊपर मैंने एक सेल्फ भी लगाई है, इस सेल्फ को सेल्फ भी साफ करती हूँ, सारी चीज़ों को अपने खुद के जगह में रख लूँगी। बस हो गया मेरा, इतना ही था मंदिर का क्लीनिंग। Thank you.
मैं सोचती हूँ 2 दिन से पहले दिवाली के लिए आप जरूर डीप क्लीन कर सकते हैं। तो आगे आने वाला है ये वीडियो, मैं दिवाली के लिए कैसे तैयार किया है मेरे घर को जरूर देखना। तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।